बसपा की बात कर ले तो बसपा में टिकट मिला है देवेंद्र नगराह को, फिर भी पैसा दे के टिकट ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि उनको चंदा वसूलना है। चंदा वसूलने के लिए यहाँ के बिजनेसमैन, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के बिल्डर से चंदा वसूलना है। चंदा वसूलने के लिए टिकट लाए और चुनाव लड़ लेंगे, हार जाएंगे तो पूर्व प्रत्याशी बता करके डीएम और एसपी के यहां दलाली करेंगे, इसके लिए वो टिकट ले आए। समाजवादी पार्टी में भी दो तीन नाम चल रहे हैं, उन दो तीन नामों की अगर हम चर्चा करें, उन दो तीन नामों की अगर हम चर्चा करें, ये सब जग जाहिर है। अल्लाहपुर अगर हम बात करें, हम आलोपी बाग की बात करें, हम कचेरी की बात करें, ये जो मैं बता रहा हूँ चंदा वसूली और ये वो जो उनका काम है, उनकी जो छवि है, सब आप लोग जानते हैं। वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सब जब सबको सबको पता है कि 83.13% लोगों के यहाँ 1-to-1 संपर्क है। लोग भीड़ बुलाते हैं कि भाई हमारा जनसंपर्क है आओ, और हम पहुंच जाते हैं वहीं भीड़ हो जाती है। तो जब सबको पता है, उनके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, जान पहचान के लोग होंगे, वो बताते होंगे रणदीप सामने जीत नहीं पाओगे, वो खुद भी महसूस करते हैं जीत नहीं पाएंगे,